गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके कंप्यूटर की क्लास में हम करते हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर्स आपका कल की क्लास में कंप्लीट हो गया था, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज। आपको जो कॉपी में करना है कंप्यूटर की, वो सीरियल वाइज ही करना है जो आपकी एक्सरसाइज में। तो आप फर्स्ट करेंगे ए पार्ट ओरल क्वेश्चंस। फर्स्ट है आपका ओरल क्वेश्चन, वेयर वॉज अबेकस इन्वेंटेड। अब जो हमारा अबेकस था वो कहाँ इन्वेंट हुआ था, कहाँ बनाया गया था। तो अबेकस, द अबेकस या अबेकस, अबेकस इन्वेंटेड इन चाइना 3000 BC। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो जो अबेकस था वो चाइना में बनाया गया था 3000 वर्ष पूर्व, 3000 साल पहले, ठीक है। सेकेंड आपका, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, दो एग्जांपल दीजिए पर्सनल कंप्यूटर्स के। मैंने आपको बताया था ना पीसीज होते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, उनके दो एग्जांपल बताने हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसमें दोगे पाम टॉप, PALM पाम टॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, ये दो आपके पर्सनल कंप्यूटर के नेम है, ठीक है। तो आप फर्स्ट के आंसर में तो लिखेंगे अबेकस इन्वेंटेड इन चाइना 3000 BC, और दूसरे में लिखेंगे फर्स्ट आंसर डाल के फर्स्ट पाम टॉप, सेकंड कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक। फिर है आपका सेकंड को बी पार्ट है आपका, आंसर दी फॉलोइंग, इनका आंसर दीजिए। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, राइट टू सेंटेंस ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स। जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे उस पर आपको टू सेंटेंस लिखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो आप फर्स्ट लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, मतलब पीसी भी कहते हैं, लाइक ए स्मॉल कंप्यूटर, ये एक छोटे कंप्यूटर की तरह है, ठीक है, जिसे आप अपने साथ रख सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर यूज इन ऑफिसेस, जो माइक्रो कंप्यूटर आपका ऑफिसेस में यूज़ होता है, शॉप्स में, स्कूल्स में, ठीक है। तो समझ गए पीसीस मतलब माइक्रो कंप्यूटर का यूज़। अब हमारे आता है सेकेंड क्वेश्चन, राइट एनी फ्यू फीचर्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। दो फीचर्स लिखिए मिनी कंप्यूटर के, तो क्या होंगे। पहला आप लिखेंगे आंसर में, इट इज़ स्मॉलर इन साइज, इट इज़ स्मॉलर इन साइज, ठीक है, ये था, इट इज़ स्मॉलर इन साइज दैन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह साइज़ में छोटा है मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और दूसरा, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन अ सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें जो लागत है पैसों की वो भी कम लगती है अकॉर्डिंग टू मेन फ्रेम कंप्यूटर के, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, राइट अबाउट द एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन के बारे में लिखना है कुछ, हमें उसके बारे में कुछ बताना है। तो हम बता सकते हैं कि इसे किसने इन्वेंट किया है, और ये बता सकते हैं कि इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो हम लिखेंगे चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड इट इन 1832। चार्ल्स बेबेज ने इसे इन्वेंट किया 1832 में। इट वॉज वेरी लार्ज, या बहुत बड़ा है अपने साइज़ में, प्रोग्रामेबल मशीन है ये, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, गिव वन डिफरेंस बिटवीन ई एन आई ए सी और यू एन आई वी ए सी। ई एन आई ए सी की फुल फॉर्म क्या है बताइए, वो लिखेंगे आप यहाँ पे, और यू एन आई वी ए सी की वो लिखेंगे। फिर आपका जो आंसर है वो होगा ई एन आई ए सी इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो ई एन आई से था ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था फर्स्ट, और सेकंड आएगा आपको यू एन आई सी इज़ द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ था। ये जो यू एन आई वी ए सी था सबसे पहले, और ये यू एस में बनाया गया था। फिर हम आते हैं आपके टिक द करेक्ट पे। टिक द करेक्ट आपका पार्ट सी। फर्स्ट है आपका परम एंड अनुराग वेयर डेवलप्ड इन। जो परम और अनुराग थे कंप्यूटर्स थे, ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुए, इंडिया में। सेकंड आता है आपका फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहला हाई स्पीड वाला वो जो हमारा कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक, वो कौन सा था, ई एन आई ए सी, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक था। डैश आर यूज्ड इन ऑफिसेस, दे कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स, ये ऑफिस में यूज़ होता है, और इसमें बहुत सारे जो कंप्यूटर्स थे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। फिर आएगा अबेकस वॉज इन्वेंटेड इन, अबेकस कहाँ, कितने सन, कौन से सन में बना था, 3000 BC में। मैच द फॉलोइंग, इन्हें मिलाइए। फर्स्ट आपका चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, ये फादर ऑफ कंप्यूटर थे, ये वी में आई वी मतलब फोर्थ में मैच करेंगे इसे, ई एन आई ए सी, ई एन आई ए सी
क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक था ये हमारा, यस में आएगा फर्स्ट में। थर्ड हमारा आएगा UNIVAC में आएगा, ये हमारा कब बनाया गया था, 1951 है। परम और अनुराग इंडिया के थे और पुणे के थे। और PCs क्या हैं, ये कब आए थे, 1982 में। फिर आपका आएगा ई पार्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका मतलब एग्जाम्पल देने हैं। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो सकता है टिटन, जो हमारे US में बना था। फिर आता आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर था, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ये वाला ENIAC इलेक्ट्रॉनिक वाला। फिर आता है आपका थर्ड मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल देंगे एप्पल का iPad, माइक्रो कंप्यूटर में दे सकते हैं आप लैपटॉप्स, ठीक है। तो आपको ये सब आपको होमवर्क में करना है, आपको इस एक्सरसाइज पूरी, ये पूरी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। और बुक में आपको क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं, जितना स्पेस दिया है ना ये बुक में भी फिल कर लेना आप लोग पूरा। और ये सब आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ तक ये आपका होमवर्क है 24 का, ठीक है। थैंक यू।